आपकी वेबसाइट का कौन सा ऐसा एड स्लॉट है जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। तो जैसे ही आपने वो ईमेल ट्रिगर किया, आपको वेलकम टू सोवन का ईमेल आ जाता है, आपको आपकी ईमेल आईडी को कंफर्म करना है। तो यहाँ पर कोई $100 का मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है, सिंपली $25 के साथ में आप आपकी साइट का पे आउट ले सकते हैं। गूगल एडसेंस दुनिया का सबसे बड़ा एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन वहां पे जो अर्निंग आपकी साइट पे होती है उसको आप इंस्टेंटली मैक्सिमाइज कर सकते हैं अगर गूगल एडसेंस को किसी अदर एड नेटवर्क के साथ में आपकी साइट पे यूज किया जाए। वो अदर एड नेटवर्क जिसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, चाहे आपको एडसेंस का अप्रूवल मिला है या नहीं मिला है, अगर आप इस अल्टरनेटिव को या तो इंडिविजुअली आपकी साइट पे यूज कीजिए या फिर गूगल एडसेंस के साथ यूज करके आप एडसेंस की अर्निंग को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। जी हां गाइस, इसी एक ऐसे अल्टरनेटिव जिसका नाम है सोवन, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जहां पे हम कुछ पॉइंटर्स पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सोवन है क्या, नंबर टू सोवन और एडसेंस विच वन इज बेटर, और सोवन किस तरीके से आपके एडसेंस के अर्निंग को मैक्सिमाइज कर सकता है, और नंबर थ्री सोवन के अंदर अकाउंट साइन अप के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और नंबर फोर सोवन की एड को आपकी वेबसाइट पे इंटीग्रेट कैसे करना है। ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। सो अगर आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला है या फिर एडसेंस अर्निंग नहीं हो रही है तो ये वीडियो आपके लिए जबरदस्त होने वाला है। सो गाइस, ऐसी प्रीमियम टिप्स अगर आपको ब्लॉगिंग के अराउंड चाहिए तो इस चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना करेंगे। तो हम लोग आ चुके हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है सोवन, ये एक मीडिया प्लेटफॉर्म है, यू कहो कि एडटेक प्लेटफॉर्म है, और ये समथिंग सिमिलर लाइक गूगल एडसेंस की तरह ही है। यहां पर बहुत सारे एडवर्टाइजर्स आते हैं और चाहते हैं कि उनकी एड कहीं पे किसी वेबसाइट पे दिखाई जाए, और आपकी वेबसाइट अगर सोवन के साथ अप्रूव्ड है तो सोवन उनकी एड को आपकी साइट पे डिस्प्ले करता है और आपका रेवेन्यू जनरेट होता है लाइक अदर एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म। तो जैसे आप सोवन की वेबसाइट पे आते हैं, सोवन आइडियली दो चीजें ऑफर करता है। सबसे पहली चीज एडवर्टाइजमेंट, मतलब आपकी साइट पे अगर आपको एड को डिस्प्ले करवाना है तो आप उनके एड एक्सचेंज प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं, और नंबर टू कॉमर्स मतलब एफिलिएट मार्केटिंग। सोवन के अंदर बहुत सारे ऐसे एफिलिएट प्रोडक्ट्स हैं जिनकी लिंक को सिर्फ आपके ब्लॉग के अंदर अगर आप यूज करेंगे, वहां पर क्लिक्स आने से सिंपली लीड जनरेट होगा तो उससे भी आप रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। ये वीडियो डेडिकेटेड होगा एडवर्टाइजमेंट के अराउंड, क्योंकि हम गूगल एडसेंस के अल्टरनेटिव की बात कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में सोवन के एफिलिएट मार्केटिंग पर वीडियो बनाऊं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो सोवन का सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट में दो टाइप के प्रोग्राम्स ही ऑफर करता है। पहला है एड एक्सचेंज, मतलब हम जैसे पब्लिशर्स जो अपनी वेबसाइट को अप्रूव करवाएंगे और हमारी साइट पे एड दिखाई देगी। दूसरा है एड मैनेजमेंट, ये क्लोजली सिमिलर ही मेथड है, लेकिन सोवन की टीम आपकी साइट की एड को मेंटेन करेगी जिससे आपका रेवेन्यू इंक्रीज होगा, इस पे आपको जाना नहीं है। और तीसरा, अगर आप खुद आपका एडवर्टाइजमेंट किसी अदर वेबसाइट पे करवाना चाहते हैं तो आप यहां पर बाय ऑन सोवन एड एक्सचेंज पे जा सकते हैं। अगर मैं इसको स्क्रॉल करके बताता हूं तो सोवन के अंदर करीब करीब डेली 416 मिलियन प्लस यूजर्स आते हैं, यहां पर डेली 13 बिलियन से ज्यादा पेज व्यूज है और 80,000 से ज्यादा वेबसाइट्स इसके थ्रू अप्रूव्ड है। दैट मींस कि एक बहुत ही रिलायबल और यू कहो कि एक ट्रस्टेड सोर्स है। तो ये तो हो गई एक ओवरव्यू की बात, राइट। लेकिन हम बात करते हैं कि हमें सोवन को यूज क्यों करना है जब हमारे पास ऑलरेडी गूगल एडसेंस है। तो गूगल एडसेंस के केस में यहां पर दो ऐसे क्राइटेरिया है जिसकी वजह से आपको सोवन को यूज करना चाहिए। जब सबसे पहली चीज, अगर गूगल एडसेंस के डैशबोर्ड में आप जाके देखेंगे तो आपको वहां पर जो रेवेन्यू का स्टैट्स दिखाई देता है वो आरपीएम की फॉर्म में दिखाई देता है, मतलब रेवेन्यू पर माइल। इसका मतलब क्या है, जैसे ये मेरी एक वेबसाइट है, ये जो आपको एक एड दिख रही है, ये सारी एड्स का कंबाइन रेवेन्यू क्या होता है वो गूगल एडसेंस आपके डैशबोर्ड के अंदर दिखाता है। और इसका ड्रॉबैक ये है कि आपको ये पता नहीं लग पाता है कि कौन सी एड आपकी वेबसाइट पे, एड नहीं मतलब कौन सा एड का स्लॉट, ये हेडर वाला स्लॉट या फिर मिडिल कंटेंट वाला स्लॉट, कौन सा ऐसा स्लॉट है जो आपको सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके बता रहा है। तो इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए सोवन ने इंट्रोड्यूस किया सीपीएम मॉडल। मतलब यूं समझ लीजिए कि वहां पर आपको यह पता लगेगा कि आपकी वेबसाइट का कौन सा ऐसा एड स्लॉट है जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। अगर आपको पता लगता है कि आपका ये हेडर वाला सेक्शन सबसे ज्यादा रेवेन्यू लेके दे रहा है एज कंपेयर टू द मिडल वन, तो आप यहां पर प्रॉपरली एड को ऑप्टिमाइज करके आपके रेवेन्यू को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और ये आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये खुद सोवन करेगा। तो सोवन का एनालिटिक्स इतना
स्ट्रॉन्ग होगा कि ये आपको एवरी स्लॉट के बेसिस पे बताएगा कि इस स्लॉट के अंदर आपका इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ, आपने ये जो एड यहां पे लगाई उससे इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ, ये वाली एड से इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ, ताकि फ्यूचर में आप एड को ऑप्टिमाइज कर सकें। और यहीं से निकल के आता है सोवन का इंडिविजुअल एडवर्टाइजिंग बिडिंग स्ट्रेटजी, जो आपके रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करता है। इसका मतलब क्या, अगर गूगल एडसेंस की बात करें तो गूगल एडसेंस के अंदर क्या होता है कि वो सारे के सारे पेज की एड को एडवर्टाइजर को भेज देता है और बोलता है कि इसमें से कहीं पे भी हम आपकी एड को डिस्प्ले करवा देंगे, जिससे क्या होता है ओवरऑल बिडिंग का रेशियो कम हो जाता है। मतलब बोलेगा कि भाई पांचों पांच एड है, यहां पे जिसको लगाना है कोई भी एड लगा दो, एंड दैट इज हाउ यू विल मेक लेस मनी। लेकिन सोवन के केस के अंदर आपके इंडिविजुअल एड स्लॉट के लिए बिडिंग की जाती है, मतलब क्या यहां के लिए आपको ऑब्वियसली ज्यादा पैसे मिलने के चांसेस हैं, तो ऑब्वियसली इसके लिए एक अलग से सेपरेट बिडिंग होगा, इसके लिए अलग से सेपरेट बिडिंग होगा। तो इस तरीके से सोवन आपके एड रेवेन्यू को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। और इन सब में आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली एड्स को यहां पर प्लेस करना, रेस्ट सोवन विल टेक केयर। तो दैट इज वन एडवांटेज की आपको सोवन यूज करना चाहिए एज कंपेयर टू एडसेंस। लेकिन दूसरा, सोवन इतना बड़ा मीडिया पार्टनर नहीं हो सकता जितना गूगल एडसेंस है। गूगल एडसेंस के पास एक रुपए से लेके 5,000 और 10,000 रुपए तक की भी एड है आपकी वेबसाइट पे दिखाने के लिए। तो ये तो गारंटी है कि अगर आप सिर्फ गूगल एडसेंस यूज करेंगे तो आपका कोई भी एड स्लॉट खाली नहीं जाएगा, मतलब हर जगह पे एड दिखाई देगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर आप सोवन को यूज करेंगे तो उनके पास इतने एडवर्टाइजर्स नहीं है कि जो आपके सारे एड स्लॉट्स को फिल करें। इसीलिए सोवन का एक ऑलरेडी एक इनोवेटिव कॉन्सेप्ट होगा, वो होता है बाईपास। बाईपास में क्या होता है, आप गूगल एडसेंस को आपके सोवन अकाउंट के साथ इंटीग्रेट कर दो। इससे क्या होगा कि अगर सोवन यहां पर एड डिस्प्ले नहीं करवा पाएगा तो वो गूगल एडसेंस को बोलेगा भाई आप करवा दो, और ऑटोमेटिकली वो एड स्लॉट फिल हो जाएगा। तो इस तरीके से सेकंड एडवांटेज होता है कि आप गूगल एडसेंस को सोवन के साथ जब यूज करते हैं तो कोई भी स्लॉट खाली नहीं बचता, आपकी सारी वेबसाइट्स पर एड दिखाई देती है। और नंबर टू, सोवन आपको हमेशा कॉम्पिटिटिव एड रेट्स देने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर इस स्लॉट की डिमांड है, कोई आपको $1 देने के लिए तैयार है, तो अगर सोवन के पास में वो $1 की एड है तो वो खुद दिखा देगा, अगर नहीं है तो वो गूगल एडसेंस के पास जाएगा और उसकी जो भी एड है वो दिखाएगा। दैट मींस कि आपकी ये गारंटी है कि आपकी वेबसाइट पे हाई सीपीसी की एड यहां पे दिखाई देगी, जो अल्टीमेटली आपके रेवेन्यू को बूस्ट करेगी। वेल, एक चीज और बता दूं, सोवन के केस में क्लिक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है कि आपके एड पे क्लिक होने से आपको रेवेन्यू जनरेट होगा, ये गूगल एडसेंस का कॉन्सेप्ट है। सोवन आपका अल्टीमेटली इंप्रेशन के बेसिस पे आपको पैसा देगा, जिससे भी आपके रेवेन्यू के इंक्रीज होने के चांसेस है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि सोवन क्यों बेटर हो सकता है अगर आप इसको गूगल एडसेंस के साथ यूज करें। एंड रिमेंबर, चाहे गूगल एडसेंस के साथ में आप किसी भी अदर एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं, सिर्फ आपको कुछ चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। वो क्या है, उसके लिए पूरी एडसेंस की एक प्लेलिस्ट है जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जरूर जाके देख लें। तो अभी बात करते हैं सोवन में अकाउंट कैसे सेटअप करना है। तो सबसे पहले चीज, आपको सोवन के एडवर्टाइजिंग के अंदर एड एक्सचेंज के सेक्शन के अंदर आना है। यहां पर आने के बाद में आपको सिंपली साइन अप वाले सेक्शन के अंदर जाना है, और जैसे आप साइन अप करेंगे आपको सिर्फ आपकी एक ईमेल आईडी को इंसर्ट करना है, और वहां पर आपको एक वेरिफिकेशन ईमेल आएगा। कैसा दिखता है, एग्जांपल के लिए यहां पर मैं अभी ईमेल आईडी यहां पर डालता हूं, चलिए connect@kirtishvyas.com, ठीक है। इसके बाद में यहां पर मैं एक क्रेडेंशियल दे देता हूं। देन जैसे ये क्रेडेंशियल आप इंश्योर करो कि आपका मिनिमम कैरेक्टर्स जो भी उनके डिफाइन है, देन आपको फिनिश पे क्लिक करना। जैसे आप फिनिश पे क्लिक करेंगे आपकी इस रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे वो एक ईमेल ट्रिगर होगा जहां से आपको साइन अप करना। तो आप देख सकते हैं, तो जैसे ही आपने वो ईमेल ट्रिगर किया आपको वेलकम टू सोवन का ईमेल आ जाता है, आपको आपकी ईमेल आईडी को कंफर्म करना है। जैसे आप आपकी ईमेल आईडी को कंफर्म करेंगे आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। दैट मींस कि नंबर वन साइन अप का प्रोसेस सबसे इजी है, सिंपली आपको दिख जाएगा कि आपका अकाउंट यहां पर वेरीफाइड हो चुका है। और जैसे वेरीफाइड होता है गाइस, इसके बाद सिंपली आपको यहां पर लॉगिन करना है। जैसे आप इसको लॉगिन करेंगे तो अल्टीमेटली आप आपके डैशबोर्ड तक पहुंच जाएंगे, जहां पर आपको सिंपली दो स्टेप का प्रोसेस अभी बचा है जिसको आपको कंप्लीट करना है। पहला है आपकी साइट को ऐड करना, और दूसरा आपकी साइट में ads.txt की फाइल को ऐड करना। ये दो काम करते हैं आपकी साइट अप्रूवल के लिए चली जाएगी, एंड इट विल टेक अनदर 24-48 आवर्स ऑफ टाइम जहां तक वो कंफर्मेशन देंगे, एंड दैट्स हाउ यू विल गेट कंफर्मेशन कि आपकी साइट अप्रूव्ड हो चुकी है। तो लेट्स सी कैसा वो दिखता है।
तो आप देख सकते हैं गाइस, हम फाइनली सोवन के डैशबोर्ड के अंदर एंटर कर चुके हैं, जहां पर आपको वेलकम का मैसेज आ रहा है। यहां से आप डिस्प्ले एड भी आपकी साइट पे दिखा सकते हैं और वीडियो एड्स भी आपकी साइट पे दिखती है गाइस। तो दोनों टाइप की एड्स आपकी साइट पे दिखना चालू हो जाएगा अगर आप सोवन की एड्स को आपकी साइट पे लगाते हैं। ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आपको लेफ्ट हैंड साइड में दो ऑप्शन दिखाई देता है, पहला है एडवर्टाइजिंग, दूसरा है कॉमर्स। कॉमर्स वो पार्ट है जहां पर एफिलिएट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आता है, जिसके बारे में हम डिटेल वीडियो फ्यूचर में बनाएंगे। लेकिन अभी आपको सिंपली एडवर्टाइजिंग में जाना है, जहां पर इनिशियली आपको सिर्फ एक ऑप्शन दिखाई देगा, वो रहेगा गेटिंग स्टार्टेड। दैट मींस कि अभी यहां पर सबसे पहला स्टेप है, वो है आपकी साइट को आपको यहां पर ऐड करना है। तो आप देख सकते हैं ये किस तरीके से दिखाई देता है, गेट स्टार्टेड विद एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करके। तो यहां पर आने के बाद सबसे पहले आपको आपकी वेबसाइट, जो डोमेन आपको अप्रूव करवाना है, वो डोमेन आपको एंटर करना है। अगर मल्टीपल साइट से आप मल्टीपल साइट्स को ऐड कर सकते हैं, आई अग्री पे करने के बाद आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। बस इतना प्रोसेस जैसे ही आप करते हैं, आपकी साइट कहीं ना कहीं सोवन के साथ इंटीग्रेट हो जाती है। अभी नेक्स्ट स्टेप है, यहां पर आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारे अदर ऑप्शंस आपको इनेबल हो गए। तो पहला, हमने साइट को अप्रूवल के लिए भेज दिया है, अभी हमें सोवन को एलिजिबल करना है कि वो हमारी साइट पे ऐड दिखाए। तो सोवन आपको कुछ इस तरीके से ads.txt की फाइल देता है, आपको इसको कॉपी करना है। अगर आपको नहीं पता ads.txt क्या होता है, इसको वेबसाइट पे कैसे ऐड करना है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन सिंपली अगर आपकी वेबसाइट के डोमेन को आप चेक करते हैं, राइट, जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं ब्लॉगिंग हाउस पे जाऊं और ब्लॉगिंग हाउस में जाने के बाद में मैं ads.txt को इंस्टॉल करूंगा, तो आपको वो सारे एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म जिनको मैंने अप्रूव करके रखा है, वो मेरी साइट पे ऐड को डिस्प्ले करवा सकते हैं, उनकी लिस्ट आपको यहां पे आ जाती है। और ये जो लिस्ट है, इसमें सोवन का नाम भी आना चाहिए। इसके लिए क्या कर सकते हैं, आपको एक वर्डप्रेस में प्लगइन मिलेगा ads.txt मैनेजर के नाम से। वो प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद में यहां पर एक नोटपैड में आने के बाद आपको इसको एंटर करके इसको सिंपली सेव कर देना है। एंड ऑटोमेटिकली थोड़े टाइम के बाद में आप देखेंगे, जैसे मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा, आपको इसी लिस्ट के अंदर सोवन का नाम भी दिखाई देगा, जो कि आइडियली मैंने अप्रूव करके रखा है। तो ads.txt की फाइल को ऐड करना कंपलसरी है, और जैसे आप इसको ऐड करेंगे, आप सोवन को ये ऑथराइज कर देंगे कि हां भाई मैंने इसको ऐड कर दिया है और आप हमारी साइट पे ऐड दिखा सकते हैं। ये स्टेप होने के बाद में आपको आपका बिजनेस का नाम, आपको आपके सेम वेबसाइट का नाम वापस देना है, एंड देन आप एक पब्लिशर है, आई वेरीफाई और सबमिट माई इन्फो। आपकी वेबसाइट का इन्फो जैसे आप दे देते हैं, अल्टीमेटली ये वाला चेक है अपडेट ads.txt वाला पार्ट पे, जैसे आप इसको कर देते हैं, तो अल्टीमेटली आपकी साइट अप्रूवल के लिए चली जाएगी। और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपको ads.txt एक सेक्शन यहां पे दिख रहा है, अगर आपने ऐड नहीं किया तो आप डाउनलोड करके इसको अपलोड कर सकते हैं। और सिमिलरली साइट्स के सेक्शन में आपको दिखाई देगा कि आपकी कौन कौन सी वेबसाइट है जो अभी आपने अप्लाई करके रखी है, और उसका करंट स्टेटस क्या है, वो भी आप यहां पर चेक कर पाएंगे। जैसे आपको अप्रूवल मिलेगा, आपको सिंपली यहां से अप्रूवल का स्टेटस यहां पे दिख जाएगा। इसके बाद में गाइस, आप यहां पे ऐड टैग के अंदर जाएंगे। अभी हम बात करेंगे कि आपकी वेबसाइट पे ऐड को कैसे डिस्प्ले करवाना है एक बार आपको अप्रूवल मिल जाता है। तो इसके लिए आपको ऐड टैग के अंदर आना है, और ऐड टैग पे जाने के बाद में सिंगल साइज या मल्टी आप जो चले यूज कर सकते हैं, मैं सिंगल को यूज करूंगा। एंड देन आप कह सकते हैं कि भाई मुझे हेडर में ऐड लगानी है, ओके। और कितनी साइज, हेडर हमेशा हॉरिजॉन्टल होगा, तो आप यहां पे चूज कर सकते हैं कि भाई यहां पर जो हेडर में मेरी जो ऐड लगेगी वो 728x90, मतलब ऐसी चौड़ी वाली ऐड लगेगी। और यहां पर है ऑप्शनल सेटिंग, ये है वो पासबैक टैग, जहां पर आप गूगल एडसेंस की आईडी को इंसर्ट कीजिए, ताकि अगर ये वाली एड फुलफिल नहीं कर पाता तो ऑटोमेटिकली एडसेंस की एड लगेगी। और वेल, सोवन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप यहां पे बोल सकते हैं कि आप मिनिमम 30 सेंट्स की एड दिखाए, उससे ऊपर की ही दिखाए, मतलब आप फ्लोर प्राइस दे सकते हैं कि इससे नीचे की एड मेरे उस स्लॉट में ना दिखाए। तो आप ये फ्लोर प्राइस देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज यहां पर वो प्राइस सिंपली आप मिनिमम रखिए, ताकि आपकी साइट पे एटलीस्ट कुछ तो दिखे। तो 10 सेंट्स तक तो आपको मिनिमम रेवेन्यू आएगा ही आएगा। और पास बैक टैग के अंदर आपको गूगल एडसेंस में जाना है, जो भी आपको एड यूनिट लगता है, जैसे कि मैं चाहता हूं ये एड यूनिट, वो भी हॉरिजॉन्टल वाला, मैं इसको यहां पे क्रिएट करूंगा, मतलब कि यहां पे दे दूं मैं सोवन पास बैक। तो यहां से मैं वो एक बाईपास ऐड बनाऊंगा, ताकि अगर सोवन की ऐड ना दिखे तो ये वाली जो ऐड है कॉपी स्निपेट करके आप यहां पर सिंपली आपके सोवन के अकाउंट के अंदर आकर के इसको पेस्ट कर सकते हैं। मतलब कि अगर सोवन की ऐड नहीं दिखी तो ऑटोमेटिकली गूगल एडसेंस के दिखेगी, दैट मींस कि आपकी साइट पे कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेट होगा। और सिंपली आपको इसको सेव करना है, और ये जो ऐड कोड जो भी आपको ऐड टैग के अंदर जनरेट होगा, वो ऐड कोड आपको आपकी वेबसाइट, जैसे कि आपको दिख रहा है, तो ये जो ऐड कोड है, व्यू कोड है, आपको इस कोड को कॉपी करना है और आप
आपकी साइट में जहां पे भी ऐड दिखानी है उस स्लॉट पे आपको ऐड कर देना है। वर्डप्रेस के अंदर एड्स को कैसे डिस्प्ले करवाना है, चाहे वो गूगल एडसेंस की ऐड हो चाहे वो सोवन की ऐड हो, उस पे भी एक डिटेल वीडियो है यूजिंग अ प्लगइन कॉल एड इंसर्टर, उसका भी डिटेल वीडियो मैं इसे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप ये 3 से 4 वीडियो अलॉन्ग विद सोवन को कंप्लीट करते हैं तो आपका कंप्लीट सेटअप हो जाता है। सोवन के अंदर गाइस पेमेंट का प्रोसेस कुछ ऐसा है, आप यहां पर पेमेंट के सेक्शन के अंदर जाएंगे तो यहां पर मिनिमम पे आउट होता है $25 का, और आपका जो पे आउट कुछ ऐसा होगा कि जैसे कि आपने 1st to 31st January के बीच में जो भी रेवेन्यू जनरेट किया 90 डेज के बाद में, मतलब कहीं ना कहीं फेब मार्च और अप्रैल के अंदर उसका रेवेन्यू का पे आउट आपको मिलेगा। तो यहां पर कोई $100 का मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है, सिंपली $25 के साथ में आप आपकी साइट का पे आउट ले सकते हैं। होपफुली आपको सोवन के बारे में डिटेल लर्निंग मिल चुकी है, और ऐसा ही कुछ आप गूगल एडसेंस के साथ इंटीग्रेट करके उनके रेवेन्यू को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा जाना चाहते हैं एडसेंस और उनके डिफरेंट अल्टरनेटिव, मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये वाली पूरी प्लेलिस्ट अभी जाके देखिएगा, वहां पर आपको डिटेल लर्निंग मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।